Welcome to Forward Public School e-learning class 9th, Subject Biology, Chapter 3, Biodiversity. I am Nuzrat Asif Students, today we are going to read about 3.7 unit conservation of biodiversity. What is meant by conservation? Conservation means to use the resources such as plants, animals, minerals, and water in a sensible way. कंजर्वेशन का मतलब होता है कि कुदरती वसाइल को यानी प्लांट्स को एनिमल्स को मादिनियात को और पानी को समझदारी के साथ अकलमंदी के साथ इस्तेमाल करना यानी कंजर्वेशन का मतलब इस्तेमाल करना एहतियात से यानी जब हम कुदरती वसायल को पौधों जानवरों मादिनियात और पानी को अकलमंदी के साथ सोच समझ कर इस्तेमाल करते हैं बगैर ज़ाया किए हुए तो वो क्या कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडावर्सिटी द स्टेप्स टेकन फॉर सेविंग द बायोडाइवर्सटी ऑन द अर्थ आर टर्म्ड एज़ कंजर्वेशन ऑफ़ बायोडाइवर्सिटी वो इकदाम जो उठाए गए हैं वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को प्लैनिट अर्थ पे सेव करने के लिए महफूज बनाने के लिए उन इकदाम को कहा जाता है कन्ज़रवेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कन्ज़र्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड अदर रिसोर्स इज़ नेसेसरी टू फुलफ़िल द नीड्स फ़ॉर द प्रजेंट जनरेशन एज़ वेल एज़ फ़ॉर द फ्यूचर जनरेशन कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है इसलिए ज़रूरी है ताकि हम पौधों और जानवरों को ना सिर्फ मौजूदा नस्ल के लिए उनको बाकी रख सकें बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी उनको महफूज बना सकें फ़ुलफ़िल यानी पूरा करना यानी जो मौजूदा प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो ना सिर्फ मौजूदा नस्ल की ज़रूरत को पूरा कर सकें और बल्कि आने वाली नस्लों की ज़रूरिया को भी पूरा कर सकें नाउ स्टूडेंट्स टर्न द पेज ऑन पेज फिफ्टी थ्री लेट लेटस्ट रीड अबाउट इम्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बींगज़ ऑन बायोडावर्सिटी इम्पेक्ट का मतलब असर यानी इंसानी हरकत और सकनात के प्लांट्स और एनिमल्स की वेरायटी पर क्या असरा मुतब हो रहे हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंसानी सरगर्मियों की वजह से द बायोडावर्सिटी ऑफ मैनी एरियाज़ एंड अर्थ एज अ होल इज़ डिक्रीजिंग डे बाई डे तो वेराटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स ना सिर्फ एक मखसूस इलाके में बल्कि पूरी रुए ज़मीन पर दिन बदिन कम होते जा रहे हैं बतदरीज कम होते जा रहे हैं अब क्या कैसे कम हो रहे हैं तीन किस्म की कैटेगरीज़ बन गई हैं एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की यानी वो जानवर और पौधे जो मुकम्मल तौर पे नापैद हो चुके हैं वो जानवर और पौधे जो कि ख़तरे से दो चार हैं और वो जानवर और पौधे पौधे जिनके तहफ़ पर अगर हमने ध्यान ना दिया तो आने वाली नस्लों को देखना नसीब नहीं होंगे सो लेट एस सी वट आर एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहते हैं आ स्पीशीज़ दैट नो लॉन्गर लिव्स एनी वेयर ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एक्सटिंक स्पीशीज़ वो वाले पौधे और जानवर जो कभी पाए जाते थे आज से चंद साल पहले या चंद सौ साल पहले लेकिन अब प्लानिट अर्थ पर कहीं भी मौजूद नहीं वो क्या कहलाते हैं एक्सटिक स्पीशीज़ कहलाती हैं इसके बाद द स्पीशीज़ विच आर इन डेंजर ऑफ़ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कुछ ऐसे जानवरों और पौधों की इकसाम भी अर्थ पर पाई जाती हैं जो नापैद तो नहीं हुए लेकिन वो खतरे से दो चार हैं यानी जिस तरीके से बेदरीक उनको मारा जा रहा है जानवरों को या पौधों को काटा जा रहा है तो वो खतरे से दो चार हैं यानी अब नहीं तो आने वाली वक्त में ख़त्म हो जाएंगे और द स्पीशीज़ which आर लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड इन near फ्यूचर आर कॉल्ड threatened स्पीशीज़ और कुछ ऐसे इकसाम के पौधे और जानवर भी रुए ज़मीन पर पाए जाते हैं कि जो अभी एक्सटिक तो नहीं हुए लेकिन वो इस कदर एंडेंजर्ड हो चुके हैं कि आने वाली नस्लों के लिए उनका नामो निशान मिट जाएगा उन्हें हम थ्रेटेंड स्पीशीज़ कहते हैं मनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ हैव बिकम एंडेंजर्ड बहुत सारे जानवरों और पौधों की अकसाम ख़तरे से दो चार हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंसानी सरगर्मियों की वजह से मिसाल के तौर पर देट इज़ प्लांट्स लाइक रेफलीशिया एंड ग्रास फर्न ऑन रेफ्लीशिया जैसे पौधे और ग्रास फर्न जैसे पौधे जो इंडोनेशिया के जंगलात में पाए जाते हैं ह्यूमिड हुँ, और हॉट क्लाइमेट कंडीशन में पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रीजन में रेफ्लिशिया एक ऐसा पौधा है जिसका फूल दुनिया में सबसे बड़ा होता है ये एक पैरासिटिक प्लांट है और अब ये एक्सटिंक्ट हो गया है इंसानी सरगर्मियों की वजह से एक्सटिंक्ट होता जा रहा है और ये इसमें से रॉटन मीट स्मेल आती है और ये थ्री फीट तक ग्रो कर सकता है ग्रास फर्नस हैं ये भी इंडोनेशिया में पाए जाते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते थे अभी अंडेंजर हो चुके हैं हैं. यानी इनकी बहुत बाकी रह गई like इसी तरीके से giant pandas, जो कि में पाए जाते थे उनकी हार्डली दुनिया में टू या थ्री स्पीशीज रह गई हैं, बाकी सारे खत्म हो गए अगर उनका तहफुज ना किया गया तो आने वाली नस्लों को पांडास देखना नसीब नहीं होंगे इसी तरीके से अफ्रीका में पाए जाने वाले माउंटेन गोरीलाज वो भी खतरे से दो चार हैं ये देखें ये रेफलिशिया है जिसका फूल सबसे बड़ा होता है दुनिया में और ये इंडोनेशिया के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है ये ग्रास फर्ड हैं ये भी इंडोनेशिया के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं ये जाइंट पांडाज हैं जो चाइना में रह गए हैं फ्यू स्पीशीज़ और ये माउंटेन गोलाज हैं जो कि साउथ जो कि अफ्रीका में फ्यू स्पीशीज रह गई हैं तो ये अंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स नाउ स्टूडेंट्स टर्न द पेज ऑन पेज फिफ्टी फोर आपको बता रहे हैं इन पाकिस्तान एनिमल्स लाइक एशियाटिक चीता टाइगर लायन इंडियन वाइल्ड एस इंडियन वन हॉर्न रैनोसरॉस स्वॉप डियर ब्लैक बर्ग एंड हंगोल हैव बिकम एक्सटिकड पाकिस्तान की बायोडावर्सिटी जो कभी बहुत रिच हुआ करती थी उसमें बहुत सारी वैराइटी ऑफ प्लानस एंड एनिमल्स पाए जाते थे अब वहदूद हो गए हैं उसमें एशियाटिक चीता नापैद ना हो चुके हैं ख़त्म हो चुके हैं टाइगर ख़त्म हो गए हैं लाइन ख़त्म हो गए हैं इंडियन वर्ल्ड एस की स्पेसिफिक स्पीशीज़ जो गद्दे की थी वो ख़त्म हो गई हैं इंडियन वन हॉन रॉयनोसरोस यानी गेंडे की स्पीशीज़ ख़त्म हो गई हैं स्वैंप डियर दलदली इलाके में पाए जाने वाले एयर जो डियर हैं हिरन है बिल्कुल ना हो चुके हैं ब्लैक बक या काला हिरन बिल्कुल ना हो गया है एंड हंगोल नामी एनिमल जो है वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुका है। ना पैदा हो चुके हैं यानी कभी पाकिस्तान में ये पाए जाते थे अब नहीं पाए जाते इन पाकिस्तान 31 वन स्पीशीज़ ऑफ़ मैमल्स ट्वेंटी स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स एंड फाइव स्पीशीज़ ऑफ रेपटाइल्स आर लिस्टेड एज एंडेंजर्ड अब ये तो वो जानवर थे जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं जो अभी मैंने आपको नाम लिए लेकिन इन्वायरमेंटल बा, बायोलॉजिस्ट का ख़्याल है कि पाकिस्तान में इकत्तीस मख्तल कस्म के मैमल्स बीस मख्त अकसाम के परिंदे और पाँच मख्तलफ अकसाम के रींगने वाले जानवर ख़तरे से दो चार हैं यानी उनका इतने तेज़ी से शिकार हो रहा है कि अगर तोज्जो न दी तो वह दुनिया से मिट जाएंगे इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल द बर्ड्स होबारा बस्टर्ड टालर दैर फेल्कोनेरी मारखोर एंड प्लांट्स लाइक यू चिलगोजा एंड सनोबर है पाकिस्तान इसी तरीके से पाकिस्तान में एक माइग्रेटरी बर्ड आता है होबारा बस्टर्ड जिसको टालर भी कहा जाता है ये एक माइग्रेटरी बर्ड है एक छोटा सा धब्बों वाला स्पॉटेड मॉटल्ड बर्ड होता है जिस जो छोटा सा परिंदा होता है और इसके ऊपर धब्बे होते हैं ये माइग्रेशन uh, करके आता है और ये एंड अप करता है अपनी माइग्रेशन को पाकिस्तान में चित्राल वग़ैरह में जब ये उड़ता हुआ आता है काजकिस्तान से और कोल्ड एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट से उड़ता हुआ आता है तो ये पाकिस्तान में अपनी माइग्रेशन को एंड करता है तो यहाँ पर हंटर्स इसको किल कर देते हैं तो इसकी एक्सटिंक्ट हो uh, इसकी एंडेंजर्ड हो रही है स्पीशीज़ इसी तरीके से मारखोर जो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल हुआ करता था ठीक है ये भी अंडेंजर्ड है यानी बहुत कम पाकिस्तान में मारखोर रह गए गिनती के चंद रह गए और प्लांट्स लाइक सरू का दरख्त जो होता है टेक्सस बैकेटिका, टेक्सस बैकेटा, उसका बुटैनिकल नेम है चिलगोजा पाइन पाइनस जेरेडियाना जिसका बुटैनिकल नेम है और सनोबर दियोदार का दरख्त जो है यह भी पाइन स्पीशीज हैं ये भी खतरे से दो चार हैं डायग्राम में देखें ये आपके पास जो है वो हबारा बस्टर्ड है टॉलेट प्लांट जो कि साउथ वेस्ट से माइ की तरफ माइग्रेशन करता है ये कैपरा फेल्कोनेरी या मारखोर हैं और आपके पास क्रेन स्पीशीज भी दी गई हैं बगले जो चंद रह गए हैं पाकिस्तान में स्टूडेंट्स दिस इज एशियाटिक चीता जो कि पाकिस्तान से एक्सटिंक्ट हो चुका है दिस इज टाइगर जो पाकिस्तान से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं दिस इज़ लाइन दिस इज़ इंडियन वाइल्ड एस जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है दिस इज़ इनी इंडियन वन हॉर्न राइनासोरोस दिस इज़ स्वैंप डियर जो दलदली इलाकों में पाया जाता है दिस इज़ ब्लैक बर्ग काला हिरन दिस इज़ हंगोल जो कि अब ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं जितने जानवर आपको मैंने दिखाए ये सब अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं दिस इज़ हवारा बस्टर जो टॉनी प्लांट है स्पॉटेड एनिमल हैं सॉरी बर्ड है, sorry, uh, bird है. ये छोटा सा जो माइग्रेटरी बर्ड पाकिस्तान में आता है दिस इज़ कैपरा फैल्कोनेरी मारखोर जो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल था अब फ्यू रह गए हैं पाकिस्तान में दिस इज़ यू टैक्सस पैकेटा सरो का दरख दिस इज चलगोजा पाइन पाएं, पाइनस जराडियाना दिस इज सनोबर नाउ स्टूडेंट्स लेट एस सी द इम्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन बायोडावर्सिटी सबसे पहला जो असरा मुरतब होते हैं उनमें से है हैबिटेट लॉस यानी प्लांट्स और एनिमल्स जंगली प्लांट्स और एनिमल्स अपने मस्कन से पना गाह से हाथ धो चुके हैं एंड डीफोरेस्टेशन यानी जंगला की कटाई भी बहुत ज़्यादा हो रही है ऑल स्पीशीज़ हैव स्पेसिफ़िक फ़ूड एंड हैबिटेट नीड्स तमाम जानवरों और पौधों की तमाम किस्म के जानवरों और पौधों की खास गजाई ज़रूरियात हैं और उनके अपनी हैबिटेट नीड्स भी हैं यानी जंगली पौधों को आप घरों में नहीं लगा सकते उनकी ज़रूरत जंगली है यानी फॉरेस्ट इज़ देअर हैबिटेट हैबिटेट लॉस मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ स्पीशीज़ अपनी मस्कन से हाथ धो बैठना इस वजह से है कि तबाह हो रहे हैं उनका कुदरती मस्कन उन स्पीशीज़ का यानि जंगलात की कटाई हो रही है जिसकी वजह से वहाँ पाए जाने वाले जंगली पौधे और जंगली जानवर अप अपने नेचुरल हैबिटेट से या अपनी कुदरती रहायश गाह से हाथ धो बैठे हैं वी आर यूटिलाइजिंग लैंड इसकी वजह यह है कि हम जमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं एंड नेचुरल रिसोस और कुदरती वसायल को एंड डिस्ट्रॉइंग वैल्यूएबल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ और जो उनकी बेश कीमत गाह थी जंगली जानवरों और जंगली पौधों की वो क्या थी फॉरेस्ट उनको हम काट रहे हैं फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल इन ऑर्डर टू कोप विद द डिमांड्स ऑफ फूड मिसाल के तौर पर गजाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पीपल आर क्लियरिंग फॉरेस्ट लोग जंगलात की कटाई कर रहे हैं एंड डेवलपिंग एग्रीकल्चरल लैंड्स और ज़रअी ज़मीन के लिए उनको साफ़ कर रहे हैं एंड रेजिडेंशियल कॉलोनीस और रिहायशी कॉलोनियां तमीर कर रहे हैं इन पाकिस्तान फॉरेस्ट कवर ओनली 2.5 परसेंट ऑफ द लैंड अगर सिर्फ ज़मीनी जंगलात की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत कम रंगबे पर जंगलात हैं यानी सिर्फ ढाई फ़ीसद रकबे पर जंगलात हैं द फॉरेस्ट एरिया इन पाकिस्तान इज़ श्रिंकिंग वेरी फास्ट पाकिस्तान में जंगलात का रकबा बहुत तेज़ी से सुखड़ रहा है पाकिस्तान हीज़ द हाइस्ट एनअल रिफॉरस्टेशन रेट इन एशिया पाकिस्तान बर अजम एशिया के उन ममालिक में शामिल है जिनमें बहुत तेज़ी से डिफ़ारस्टेशन या जंगल की कटाई हो रही है रिपोर्ट ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू एफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंस नाइनटीन फोटी सेवन मोर दैन वन थाउजेंडन लैख फिफ्टी वन थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड एकर्स फॉस्ट है मुताबिक उन्नीस सौ सैंतालीस से लेकर अब तक पाकिस्तान में एक लाख इक्यावन हजार पाँच सौ एकड़ जो जंगलात के लिए रकबा मख्स था उसको नॉन फॉरेस्ट लैंड या क्लियर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है अब ये एक इंपैक्ट था हैबिटेट लॉस एंड डिफॉरेस्टेशन सेकेंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट इज़ ओवर हंडिंग यानी इंसान ना सिर्फ जंगलात काट रहा है बल्कि बहुत ज़्यादा शिकार भी कर रहा है ओवर हन्टिंग ऑफ़ एनिमल्स इज़ आल्सो अ कॉज ऑफ़ लॉस ऑफ बायोडावर्सिटी बहुत ज़्यादा शिकार करना भी जानवरों की स्पीशीज़ की कमी का एक बास बन रहा है सबब बन रहा है इन पाकिस्तान वेरियस लेजर्ट्स स्नैक्स क्रोकोडाइल्स एंड लार्जर मैमल्स आर हंटेड फॉर वेरियस परपजस पाकिस्तान में बहुत सारी किस्मों की छिपकलियाँ सांप मगरमच्छ और बहुत सारे और मैमल्स जो हैं उनका शिकार किया जा रहा है मुख्त मकासद के लिए मसलन कुछ को स्किन हासिल करने के लिए मारा जा रहा है कुछ को ग्लैंड्स हासिल करने के लिए मारा जा रहा है कुछ को टीथ हासिल करने के लिए मारा जा रहा है यानी डिफरेंट परपजेस के लिए उनको हंट किया जाता है जिसकी वजह से उनकी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं अ लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स पासिंग थ्रू चित्राल आर हंटेड जब बहुत बड़ी तादाद में माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे हमने टालर या होबारा बस्किट की मिसाल पढ़ी जब इस जैसे बहुत से परिंदे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जब वो गुजरते हैं पाकिस्तान उनकी गुजरगाह होती है वहाँ से गुजरते हैं और चित्राल में लैंड करना चाहते हैं एंड अप करना चाहते हैं अपनी माइग्रेशन अपनी ब्रीडिंग के लिए तो वहाँ पे हंटर्स पहले से मौजूद होते हैं तो वो उनको क्या करते हैं हंट कर लेते हैं द बर्ड्स आर हंटेड एंड किल्ड ड्यूरिंग देयर माइग्रेशन तो इस माइग्रेशन के सीजनल माइग्रेशन के दौरान उनको किल कर दिया जाता है इस तरह से उनकी नस्लकुशी हो रही है ओके okay, स्टूडेंट्स आपको एक इंफॉमेशन दे रहे हैं कि एग्रीकल्चरल प्रेक्टिस आर अमंग वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा ज़रात पर काम जो जारी है दुनिया में उस ये भी एक बहुत बड़े अवामिल में से एक है जो कि लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ का बायस बन रहा है हाउ ओवर द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी इज इमरजिंग ताहम ये एक अलग हकीकत है कि पाकिस्तान में जरूरी स्पीशीज़ जो क्रॉप चील्ड हैं उनकी बायोडाइव का तस्वुर तेज़ी से उभर रहा है इट इज़ अ ब्रॉड टर्म ये एक वसी एक असला है एंड इज़ आउटकम ऑफ़ इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज़म्स और ये नतीजा है बाहमी ताल्लुक़ का जो कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में पाया जा रहा है द इन्वायरमेंट एंड प्रेक्सज़ यूज़ बाई फार्मर्स माहौल में और जो और बार बार फार्मर्स एग्रीकल्चर में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी वजह से भी नए ऑर्गेनिज़म्स वजूद में आ रहे हैं इट

ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए हैं यानी हंटर प्लांट्स और हंटर एनिमल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड ऑल ऑफ़ द नेटिव प्लांट एंड एनिमल्स और बहुत सारे जो इलाकाई पौधे और जानवर हैं उनकी तादाद बढ़ रही है और जो दीगर जानवर और पौधे हैं उनकी तादाद कम हो रही है एग्रीकल्चरल बायोडावर्सिटी इसको जरिए बायोडावर्सिटी भी कहा जाता है यानी वेराइटी ऑफ क्रॉप यील्ड का बढ़ जाना दुनिया में देअर फॉर हेल्थ इन मेटेनिंग और इंक्रीजिंग द दायोडावर्सिटी एंड इज सोर्स ऑफ फूड बहरहाल वजह कुछ भी हो एग्रीकल्चरल स्पीशीज़ जो हैं वो बढ़ रही हैं यानी क्रॉप हील्ड में मुख्त वाइटीज़ सामने आ रही हैं नाउ स्टूडेंट्स टर्न द पेज ऑन पेज फिफ्टी सिक्स आपको थर्ड इम्पैक्ट बता रहे हैं ह्यूमन बीक्स का इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ़ स्पीशीज़ यानी इंसान अपनी मर्जी से या तो कोई जानवर और पौधे किसी ख़ास इलाके में इंट्रोड्यूस या मुतारफ़ करा देता है या फिर उनको अपनी नापसंदीदा होने की वजह से उसको उस इलाके से हटा देता है इसका क्या असर होता है वेन अ न्यू स्पीशीज़ इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन एन एकोसस्टम किसी भी माहौल के अंदर जब आप एक नई इकसाम को जानवरों और पौधों की इकसाम को मुतारफ़ कराते हैं इट मे प्रूव हार्मफुल फ़ॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर स्पीशीज़ लिविंग देयर तो ये नुकसानदेह साबित हो सकती है पहले से मौजूद इकसाम के जानवरों और पौधों के लिए मिसाल इसकी क्या है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल यूकलिप्टस ट्रीज़ वर इम्पोर्टेड टू पाकिस्तान फ्राम ऑस्ट्रेलिया मिसाल के तौर पर सफ़ेदे के दरख्त जो कि पाकिस्तान के, के फ्लोरा में नहीं पाए जाते थे लेकिन ऑस्ट्रेलिया से उनको दरामद करके पाकिस्तान में लगा दिया गया अब ये इसका बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान को क्योंकि पाकिस्तान में कुदरती तौर पर पौधा मौजूद नहीं था बल्कि ऑस्ट्रेलिया से मंगा कर इसको पाकिस्तान में लगा दिया गया दीज ट्रीज़ कंज्यूम मोर वाटर एंड हैव डिस्टर्ब द लेवल ऑफ़ अंडरग्राउंड वाटर अब इस पौधे की खसूसियत क्या है यूकलिप्टस की कि यह बहुत ज़्यादा पानी सक कर लेता है एबजॉर्व कर लेता है और ट्रांसपायर कर लेता है यानी एक ऐसा पौधा है जिसका दुनिया में ट्रांसपायरेशन रेट सबसे हाई है अब ऑस्ट्रेलिया में तो रोज़ बारिश होती है लेकिन पाकिस्तान ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर डेली बारिश हो तो जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया कराची में तो इसने बहुत ज़्यादा इसकी रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया और कर कर दिया कर दिया ट्रांसपायर जिसकी वजह से वाटर टेबल अंडरग्राउंड वाटर टेबल खराब हो गया और लोगों के घर साफ पीने का पानी अब मैसर नहीं है सो अदर स्मॉलर प्लांट्स कैन नॉट ग्रो नियर दीज ट्रीज तो जो दूसरे छोटे पौधे होते हैं वो भी इस दरख के नज़दीक अब नहीं लग सकते पाकिस्तान में भी पिशावर में भी आप देखें यूनिवर्सिटी टाउन में और इवन हयात में भी यूकलिप्टस ट्रीज लगाए गए हैं द द रिमूल ऑफ स्पीशीज़ फ्राम एन इको सिस्टम ऑल्सो अफेक्ट द अदर स्पीशीज़ ये तो आपने इंट्रोडक्शन ऑफ़ स्पीशीज़ की मिसाल देगी थी अब अगर हम किसी किस्म के जानवर और पौधे को किसी खास इको सस्टम से निकाल दें एक्सक्लूड कर दें तो उसका भी कहते हैं बहुत असरात मुरतब होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इन एन इको सिस्टम स्टार फिश इड्स मिसाल के तौर पर स्टार फिश जो समंदरों में पाई जाती है अगर हम उसको वो वो फ्रेश वाटर मसल्स को खाती है फ्रेश वाटर मसल जो हैं ये भी स्मॉल इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं फाइलम मोलस्का से बिलोंग करते हैं तो ये फॉर एक्जाम्पल इन एन एको सिस्टम स्टार फिश इर्स मुसल्स विच आर हार्मफुल टू मैनी अदर स्पीशीज़ तो अगर एक ईको सिस्टम में फ़्रेश वाटर मुसल्स को खा ले स्टार फिश तो वो 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 भी उसको सिस्टम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है यानी फ्रेश वाटर मुसल्स का कम हो जाना भी उसको सिस्टम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है क्योंकि उसका प्रीडियटर यानी स्टार फिश वहाँ पर इंक्रीज हो गई हैं इसके बरक्स इफ़ स्टार फिश इज़ रिमूव फ्राम दैट इको सिस्टम अगर हम मुसल्स को रहने दें लेकिन स्टार फिश को उस इलाके से हम हटा दें रिमूव कर दें ख़त्म कर दें द मसल्स विल इंक्रीज़ इन नंबर तो फ्रेश वाटर मुसल्स तादाद में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे एंड दे विल बी हार्मफुल टू अदर स्पीशीज़ और ये बाकी इकसाम के जानवरों के लिए नुकसान का बायस बनेंगे जो तीसरा इम्पेक्ट चौथा इम्पैक्ट है ह्यूमन बींग्स का दैट इज़ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंसान बहुत ज़्यादा सन्नतें लगा रहे हैं द केमिकल पुलूटन्स रिलीज फ्राम इंडस्ट्रीज़ आर हार्मफुल फॉर स्पीशीज़ एंड एकको सिस्टम कहते हैं जो केमिकल्स निकलते हैं आलूदा केमिकल्स निकलते हैं फजा में रिलीज़ होते हैं सन्नतों से निकलने वाले काले धुएं की सूरत में तो वो जानवरों और पौधों की स्पीशीज़ जो इको सिस्टम में पाई जाती हैं उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं पुलुशन इज़ नॉट रिकोगगनाइज एज अ कॉज ऑफ एक्सटेंशन अगरचे ये डायरेक्ट बिल वास्ता जो है वो नापैद नहीं करते किसी जानवर और पौधों को खत्म नहीं करते बट इट हार्म स्पीशीज लिव इन इन स्मॉल एरियाज लेकिन आमतौर छोटे इलाकों में रहने वाले जानवरों और पौधों की इकसान बहुत ज़्यादा मुतासर होती है मसलन, हैतबाद is an industrial area, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो पोलूटेंट निकलते हैं इंडस्ट्री से तो वो भी हमारी सेहत तो और जानवरों और पौधों के लिए नुकसानदेह हैं नाउ स्टूडेंट्स टर्न द पेज ऑन पेज फिफ्टी सेवन यूनिट 3.9 पॉइंट नाइन कन्ज़र्वेशन ऑफ बायोडावर्सटी इन पाकिस्तान पाकिस्तान में बायोडाविटी से रिलेटेड क्या मसाइल हैं और उनके हल के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं आइए हम इस यूनिट में पढ़ते हैं कहते हैं इन पाकिस्तान द मेन ईश्यूज़ ऑफ़ कंजर्वेशन ऑफ़ बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड डिफॉरस्टेशन एंड हंटिंग कहते हैं जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो पाकिस्तान को कंजर्वेशन से रिलेटेड सेविंग ऑफ बायोडाइवर्सटी से रिलेटेड दो किस्म के मसाइल का सामना है नंबर वन इज़ डिफॉरस्टेशन यानी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तेज़ी से जंगलात की कटाई हो रही है एंड हंटिंग और पाकिस्तान में ओवर हंटिंग बहुत ज्यादा की जा रही है बहुत ज्यादा शिकार किया जा रहा है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन की वजह से जंगली पौधे और हंटिंग की वजह से जंगली जानवर तेजी से उनकी नस्लें खत्म हो रही हैं वी हैव ओनली फाइव ऑफ द फॉरेस्ट इन आर कंट्री अगर हम टोटल तखमीना लगाएं तो हमारे मुल्क में बहुत कम रकबे पर जंगलात हैं यानी सिर्फ पाँच शहर या दो फीसद रकबे पर जंगलात हैं सिमिलरली मैनी स्पीशीज हैव बिकाम एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड इसी तरीके से बहुत सारे जानवर और पौधे जो हैं या तो वह नापैद हो चुके हैं या फिर ख़तरे से दो चार हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ओवर फिशिंग इन रिवर्स लेक्स एंड पोंडस हज़ रिज़ल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ़ मैनी फ़िश स्पीशीज़ लाइक शेर माही महाशेर एक्सेट्रा मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के दरियाओं झीलों और तालाबों में बहुत ज़्यादा फिशिंग की जा रही है बल्कि इलेक्ट्रो फिशिंग की जा रही है इलेक्ट्रिक करंट छोड़ देते हैं जिससे फ़िश की स्पीशीज़ ख़त्म होती जा रही हैं कई दफ़ा उनका ब्रीडिंग सीज़न होता है और जब नॉन प्रोफेशनल लोग फ़िशिंग करते हैं उनको मालूम नहीं होता कि फ़िश का ब्रीडिंग सीज़न है तो उससे फिश फिश की नसल ख़त्म हो जाती है जैसे शेर माहि पास्तान की दरियाओं में पाई जाती है महाशेर मछली पाकिस्तान की दरियाओं में पाई जाती है इसकी नस्ल को खतरा दो चार है सिमिलरली मार्कोपोलो शीप ये मैक्रोपोलो लिखा है आप इसको मार्कोपोलो कर लें मार्कोपोलो शीप एंड एंडारा बस्टर्ड जिसको टालर कहते हैं ये भी ठीक कर लें पॉपुलेशन हैज बीन रिड्यूस ड्यू टू ओवर हंटिंग इसी तरीके से पाकिस्तान में मार्कोपोलो शीप जो बलोचिस्तान में के पहाड़ों पर पहाड़ियों पर पाई जाती थी और होबारा बस्टर्ड जो माइग्रेटरी बर्ड है जिसका जिक्र हमने अभी पहले किया है इनकी नस्ल जो है वो तेजी से कम हो रही है ओवर हंटिंग की वजह से बहुत ज्यादा शिकार की वजह से मास्क डियर आर किल्ड फॉर दियर ग्लैंडस यूज़ फॉर मेकिंग परफ्यूम्स इसी तरीके से जो हिरन की खास एक है मस्क डियर उनकी आंतों से एक ख़ास का खुशबूदार ग्लैंड निकलता है गदूद निकलता है जिसको परफ्यूम्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है तो महज वो छोटा सा ग्लैंड हासिल करने के लिए मस्क डियर को मार दिया जाता है इंसान उसको मार देते हैं और उनकी नस्ल ख़त्म हो रही है द मोस्ट कामन मोस्ट सीरियस थ्रेट फेस बाई इंडस रिवर डॉल्फिन इज़ द रिलीज़ ऑफ हेविली पोलूटेड वाटर इन दी इसी तरीके से पाकिस्तान के दरियाओं में एक मछली पाई जाती है इंडस रिवर डॉल्फिन अब आपको पता है कि रिवर इंडस जो है वो इंडिया पाकिस्तान दोनों में पाया जाता है साउथ एशियन रिवर है ये और ख़ासतौर तो पर जो रिवर ब्यास है जो ब्यूटरी है इस इंडस रिवर की वो पाकिस्तान में पंजाब में बहता है और इंडिया के कुछ इलाकों में बहता है तो उसमें यह इंडस रिवर डॉल्फिन पाई जाती है कहते हैं इसकी नस्ल को किस तरीके से खतरा है कि बहुत ज़्यादा आलूदा पानी पानी जो है वो इंडस रिवर में पोर किया जा रहा है जिसकी वजह से इसकी नस्ल को ख़तरा हो रहा है विच इज़ कॉजिंग द ब्लाइंडनेस ऑफ दिस डॉल्फिन और ये डॉल्फिनस ब्लूटेड वाटर की वजह से ब्लाइंड होती जा रही हैं सी स्टूडेंट्स दिस इज मारखोर इसको चिल्तन आईबैक्स भी कहा जाता है और चिल्तन मारखोर भी कहा जाता है ये बलोचिस्तान की पहाड़ियों पे पाई जाती है इसी तरीके से ये मार्कोपोलो शीप है ठीक है ये शीप स्पीशीज़ हैं जो कुछ सेम फैमिली से बिलोंग करती हैं बट डिफरेंट स्पीशीज़ हैं हमारे पास फिर ये मस्क डियर है जिसको ग्लैंड हासिल करने के लिए केल कर दिया जाता है और ये इंडस रिवर जो है वो ब्लाइंड हो गई है तो इसको आप देखें मछेरे शिकार करके ला रहे हैं नाउ स्टूडेंट्स टर्न द पेज पेज फिफ्टी एट पर आपको बता रहे हैं फॉलोइंग आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द स्टेप्स टेकन इन पाकिस्तान टू कंजर्व बायो डाइवर्सिटी मंदरजा ईैल कुछ मिसालें हैं ये इकदाम उठाए गए हैं पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी यानी प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज़ को कंजर्व करने के लिए महफूज बनाने के लिए नंबर वन इंडस डोल्फिन प्रोजेक्ट आई डी पी टू सेव इंडस डोल्फिन पाकिस्तान में इंडस रिवर सेव करने के लिए आई डी पी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है नंबर टू प्रोटेक्टेड एरियाज़ मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन मछियारा इन आजाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फरानाबाद के नज़दीक राइट साइड पे रिवर जो नीलम वैली है उसके राइट साइड पे जो है मछियारा नेशनल पार्क बनाया गया है जहाँ पे बहुत सारी वैराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को प्रिजर्व किया गया है नंबर थ्री मेरीन टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट पाकिस्तान में तर, मेरीन टर्टल को सेव करने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है नंबर फोर बैन ऑन हंटिंग ऑफ मारखोर एंड उड़ियाल इन बलोचिस्तान आपको मैंने पहले भी बताया कि मारखोर जो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल था अब नायाब होता जा रहा है तो उसके शिकार पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है बैन मीन्स पाबंदी हंटिंग मीन्स शिकार उड़ियाल जो है ये वाइल्ड शीप की स्पीशीज़ हैं जो कि बलोचिस्तान में पाई जाती थी तो ये भी अब खात्मे की तरफ जा रही हैं इनके भी शिकार पर पाबंदी लगा दी गई है नंबर फाइव हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट टू तो प्रोटेक्ट द बायोडावर्सिटी इन हिमालयन रीजन अगर आप कोई हिमालिया के इलाके को देखें तो वहाँ पर तेज़ी से जंगलात का सफ़ाया हो रहा है वो बिल्कुल खाली ही जा रहे हैं माउंटेंस जंगलात से माउंटेनियस फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं तो उनकी हिफाजत के लिए तहफ़ के लिए जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है पाकिस्तान में नंबर सिक्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडावर्सटी ऑफ सुलेमान रेंज बलोचिस्तान इसी तरीके से कोई सुलेमान पर जो बहुत सारे जानवरों और पौधों की स्पीशीज़ पाई जाती थी वो खात्मे की तरफ रागब हैं तो उनकी हिफाजत के लिए कंजर्वेशन के लिए उनको महफूज बनाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे रहे हैं नंबर सेवन नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शुमाली इलाका जात में जो बहुत रिच बायोडावर्सिटी यानी प्लांट्स और एनिमल्स की वेरियस स्पीशीज पाई जाती हैं उन सबको महफूज बनाने के लिए बेशुमार प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए गए हैं नंबर एट कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल खैबर पखतुनखा जैसे कि आपको पहले भी इस चैप्टर में बताया जा चुका है कि माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं पाकिस्तान में नवंबर के आगाज़ में जिनमें से टाल या होबारा बस्टर्ड एक ख़ास जो है वो परिंदा है जो कि आता है और चित्राल में एंड अप करता है अपनी माइग्रेशन को और वहाँ पे फिर ब्रीडिंग करता है अपनी नस्ल बढ़ाता है और वहाँ पर हंटर्स उसको हंट कर लेते हैं तो उसकी कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं यानी पाबंदी लगाई जा रही है नंबर नाइन हिमालयन वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट टू चेक द हंटिंग ऑफ द ब्राउन बीयर्स इसी तरह पाकिस्तान में पाए जाने वाले ब्राउन रीच जो हैं उनकी शिकार पे पाबंदी लगाई जा रही है और उनको नस्ल को महफूज बनाने के लिए भी वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं हिमालयन रीजन में नंबर टेन कंजर्वेशन ऑफ द दिल्तन मारखोर हमने पहले भी जिक्र किया कि चिल्तन मारखोर जो है वो स्पीशीज हैं जो कि बलूचस्तान के पहाड़ियों में पाई जाती हैं तो उनको महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं नंबर अलवन बैन ऑन बियर बेटिंग इन पाकिस्तान पाकिस्तान में जो है वो रीच को जो स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था उस पर पाबंदी की जा, लगाई जा रही है बियर बेटिंग होता है ये गेम होता है जिसमें बियर को जो है वो हेरस किया जाता है जा किया जाता है ताकि वो गुस्से में आ जाए और फिर उसको इसको स्पोर्ट्स के तौर पर लिया जाता है यानी बेटिंग मीन्स टू हेरस और मेकिंग एंग्री विद डॉग्स यूजली फॉर स्पोर्ट्स यानी खेल के लिए सिर्फ खेल के शौक के लिए कुत्तों को तो, दौड़ाया जाता है और बियर ग़ुस्से से उनके पीछे भागता है और उससे फन क्रिएट किया जाता है तो इस पर मुकम्मल पाबंदी इस गेम पर लगा दी गई है सो so स्टूडेंट्स आपको एक इंफॉमेसन दे रहे हैं कि नेशनल पार्क्स आर मेड टू कंजर्व द बायोडावर्सिटी इन एरिया बहुत सारे कौमी सतह पर ऐसे पार्क्स बनाए गए हैं जहाँ पे वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को महफूज बनाया जा सके पाकिस्तान हैज ट्वेंटी नाइन पार्कस पाकिस्तान में इस जमन में तकरीबन उनतीस पार्क कौमी पार्क बनाए गए हैं हंटिंग पोल्यूटिंग वाटर क्लीनिंग ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आर बैंड इन दीज एरियाज़ इन तमाम इलाकों में जहाँ पे नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पे शिकार मना है आलूदगी पानी को आलूदा करना मना है और सिर्फ काश्तकारी के लिए लैंड को साफ करना मना है इसके अलावा जंगली हयातियात की तबाही भी वहाँ पर सख्ती से मना है इन इलाक़ों में हाओ एवर दे आर एक्सेबल तहम आवाम की वहाँ पर रसाई है एक्सेसबल रसाई पहुँच होना यानी हाउ एवर दे आर एक्सेबल टू पब्लिक फॉर रिसर्च एजुकेशन एंड रिक्रिएशन तहम आवाम को रसाई हासिल है इन तमाम नेशनल पार्कस में ताकि वो रिसर्च यानी तहिकत कर सकें एजुकेशन तालीम हासिल कर सकें और रिक्रिएशन तफरी हासिल कर सकें तो ये आपके पास यहाँ पे जो है वो टॉपिक इन्होंने एंड अप किया है स्टूडेंट दिस ट्री जो ऑस्ट्रेलिया से लाकर सफेदे का दरख पाकिस्तान में लगाया गया और पाकिस्तान का अंडरग्राउंड वाटर टेबल इसने खराब किया दिस इज मारखोर जो पाकिस्तान में आइबैक्स के नाम से भी जानी जाती है आइबैक्स कोट है ये मारखोर चिल्तन मारखोर जिस जो अब एक्सटिंक्ट हो रहा है पाकिस्तान से दिस इज मस्क डियर जिसकी इंटस्टाइन से ग्लैंड निकाल के उसको परफ्यूम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और महज वो ग्लैंड हासिल करने के लिए इसको किल कर दिया जाता है और इसकी स्पीशीज़ अब एक्सटिंक्ट हो रही हैं दिस इज मार्कोपोलो शीप दिस इज़ इंडस रिवर डोल्फिन जो कि रिवर ब्यास में पाकिस्तान में दरिया सिंध में पाई जाती है और अब ये ब्लाइंड होती जा रही है ये उड़ियाल है आपके पास जो थैंक यू स्टूडेंट्स दिस इज़ इट फॉर टुडे दिस वॉज द एंड ऑफ चैप्टर थ्री बायोडाइवर्सिटी स्टे होम स्टे सेफ स्टे ट्यून अल्लाह हाफ़